पाप धुल जाते हैं। राम भगवान सीता माता तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज मेरी सुबह हो रही है रामेश्वरम। इतना पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना कि क्या बोलूँ, मतलब मेरी ड्रीम प्लेस थी। और आज हम लोग जाने वाले हैं ज्योतिर्लिंग, तो उसके लिए मैं हो चुकी हूँ तैयार और अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। एक्चुअली ज्योतिर्लिंग में ऐसा है कि ज्योतिर्लिंग में जाने से पहले एक अग्नि तीर्थम करके जगह आती है, उसकी जिसके बारे में आपको मैं सब कुछ बताऊँगी। वहाँ पे पहले हमें स्नान करना रहता है, ऐसा माना जाता है कि हमारे पाप धुल जाते हैं। फिर उसके बाद में 22 कुंड आते हैं, उसमें हमें स्नान करना रहता है। मतलब स्नान नहीं, वो लोग थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते हैं। तो बस फिर कपड़े चेंज करने रहेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ज्योतिर्लिंग। अभी हम चलते हैं ब्रेकफास्ट करने। तो हम लोग ब्रेकफास्ट एरिया में पहुँच चुके हैं और चलो देखते हैं कि आज के ब्रेकफास्ट में क्या है। तो यहाँ पर है कॉफ़ी एंड टी, यहाँ हॉट मिल्क टी, रागी पयासम, आई डोंट नो ये क्या है, ब्रेड फ्लेक्स, कॉर्न फ्लेक्स एंड चॉको फ्लेक्स। फ्रूट्स में है, ये है मैंगो, पाइनएप्पल एंड वाटरमेलन एंड पपैया। ये है टोमेटो चटनी, ये है बीटरूट चटनी, आलिया भट्ट वाली है, और ये रही कोकोनट चटनी। और यहाँ पे है गन पाउडर एंड जिंजर ऑयल, आई थिंक सो घी है। सो यहाँ पे है पूड़ी, ये है आलू की सब्जी, और ये है आई थिंक सो पराठा। तो यहाँ पे ये बना रहे हैं डोसा और उत्तपम। हमें अलग से ऑर्डर देना रहता है, हमको जो चाहिए हमको यहाँ ऑर्डर दे देंगे तो वो हमको बना के दे देंगे। ये है पिकल, ये है कर्ड, और इसके अंदर है वेज नूडल्स, और ये है आई थिंक सो सॉल्टेड वेजिटेबल्स। ये है पोंगल जो मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, बट आई विल टेस्ट इट। और ये है चना, ये रही इडली, यहाँ पे है सांभर, यहाँ पे है कॉन्जी, पता नहीं क्या है ये। यहाँ पे है सब कैरेट एंड जिंजर प्यूरे, तो बहुत सही है यार, डिटॉक्स वाटर है। फिर ये है वाटरमेलन जूस, पिस्ता मिल्क शेक, फ्लेवर्ड योगर्ट, और ये है स्माइलीज, स्माइलीज नहीं है, ये रहा मेंदू वड़ा। और सबसे सही चीज़ है डोनट, जितने खाने हैं खाओ, मैं सबसे ज़्यादा ये खाऊँगी, ये बहुत सही है। और ये भी है बनाना केक, ये भी फेवरेट है, डेनिश पेस्ट्री, क्रोसियंट एंड सिनेमन रोल। यहाँ पे है मल्टीग्रेन ब्रेड, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, मिक्स फ्रूट जैम, और ये रहे बनाना। तो मैं यहाँ ले रही थी ब्रेकफास्ट फटाफट जो मुझे अच्छा लग रहा था। और मैं आपको एडवांस में सॉरी बोल दे रही हूँ, मेरी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरा गला बैठ चुका है और मैं वेट नहीं कर सकती क्योंकि मेरा जो फिक्स डे है उस पर मैं व्लॉग अपलोड करूँगी ही, तो अब आवाज़ अच्छी नहीं है तो क्या करें, वॉइस ओवर तो करना पड़ेगा। तो अभी मैंने सब कुछ ले लिया है, मैंने सब कुछ कम कम ही लिया है क्योंकि मुझे वेस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद है। जो मुझे अच्छा लगता है मैंने सब ले लिया, और मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया है डोसा के लिए। ये आ चुका है ओनियन उत्तपम एंड मसाला उत्तपम मिक्स। स्वीट में मैं ये लेके आई हूँ, फ्रूट्स लेके आई हूँ, और ये लाई हूँ मैं मफिन्स। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके रूम में आ चुके हैं। हम लोग रुके हुए थे रेसिडेंसी टावर में, इसका जो ब्रेकफास्ट था वो बहुत डिलीशियस था। मतलब मैंने हर एक चीज़ ट्राई की, जो चीज़ मैं नहीं खाती मैंने वो भी ट्राई किया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेस्ट इट कि टेस्ट कैसा था। हर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा था। जो बीटरूट चटनी थी वो मैंने सिर्फ थोड़ी सी टेस्ट की, बट वो टेस्ट अच्छा था पर मुझे नहीं अच्छी लगी। तो टेस्ट तो बहुत अच्छा था, ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था। काश ये दोपहर के खाने में होता तो ज़्यादा ठूस के खाते। अभी सुबह कम कम खाया है क्योंकि अभी जाना है हमें स्नान करने, फिर हम जाएंगे ज्योतिर्लिंग, फिर हम जाएंगे धनुषकोडी। साईशु हो चुकी है रेडी कुर्ता में। साईशु कम टू बुआ, ये हमारी नेताजी। तो अभी हम होटल से निकल चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अग्नि तीर्थम। यहाँ पर कैब ओला उबर कुछ चलता नहीं है, तो अगर आप भी जो भी होटल से है उससे आपको डायरेक्ट रिक्शा या छगड़ा ही लेना पड़ेगा, और उनसे मतलब आपको भाव करवाना क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा प्राइस बोलते हैं, बट तो उनको आप अपना प्राइस बोलना तो वो लोग उस हिसाब से करेंगे। तो हम लोग भी बस अभी रिक्शा का वेट कर रहे हैं, जैसे ही रिक्शा आता है, ये रोड है यहाँ पर सब रिक्शा आएंगे, वहाँ से अग्नि तीर्थम के लिए हम रिक्शा करेंगे। और अग्नि तीर्थम से 250 मीटर में ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही जाएंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं और पापा ये ले रहे हैं बॉटल, इसमें हम जो भी जल है सब 22
तीर्थम के वो इसके अंदर भरेंगे। इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस यार, मतलब कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। हो रहा अग्नि तीर्थम, अब वहाँ चलते हैं। सो गाइज, ये है एंट्रेंस अग्नि तीर्थम का। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अग्नि तीर्थम और ये रहा ओशन, ओशन या नदी, इसमें हमने स्नान करना है। चलो बस चलते हैं स्नान करने, और हमें पाप जितने भी मैंने पाप किए सब दूर जाएंगे ऐसा माना जाता है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट इट्स ऑल अप टू यू कि आप मानते हो कि नहीं। चलो चलते हैं और सब पाप धोते हैं। आप लोग प्लीज नहीं, जरा बेवकूफी की तरह मुंह खोल के बिल्कुल मत नाना। मैं मुंह खोल के मैंने आँख भी खुली थी, पूरा आँख चल रहा है, पूरा सॉल्ट सॉल्ट चला गया। यहाँ पे है फिश, ये देखो ये उठा रहे हैं। क्या डाल रही हो? जिंदी है? और मेरे को डर रहा है। जिंदी नहीं है तो मरे नहीं जाए। ये फिश मर चुकी है बेचारी। मैं आपको रामायण से जुड़ी एक अग्नि तीर्थम की एक कहानी बताती हूँ। जब राम भगवान सीता माता को ढूंढने आए थे तो वो सबसे पहले रामेश्वरम में आए थे। यहाँ से लंका खाली कुछ 12 या 14 किलोमीटर ही है। तो ऐसा माना जाता है कि जब राम भगवान ने रावण को मार दिया था उसके बाद ये आए थे यहाँ पे अग्नि तीर्थम में। इन्होंने यहाँ पे स्नान किया था और उन्होंने रावण को मारा था। तो मतलब वैसे उन्होंने वो पाप नहीं किया था, बट लोग ऐसा बोल मतलब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ लोगों के पाप जुड़ते हैं। तो उन्होंने उनको मारा था तो ऑब्वियसली वो उनके लिए खराब चीज़ थी। मतलब मारो भगवान के तो मारते नहीं थे किसी को, तो बस तो उन्होंने उनको मारा था तो वो अपना एक तरीके से अपना पाप धोने यहाँ पे आए थे। इसके लिए जगह बहुत फेमस है। इसके लिए जब भी हम ज्योतिर्लिंग जाते हैं तो उससे पहले हमें अग्नि तीर्थम में स्नान करना चाहिए और उसके आगे 22 कुंड है उसमें भी हमें स्नान करना चाहिए। इस जगह का नाम अग्नि तीर्थम है और इस जगह का नाम अग्नि तीर्थम कैसे पड़ा वो मैं आपको बताती हूँ। जब सीता माता वापस आई थी तो राम भगवान ने उनको कहा था कि उनकी जो प्योरिटी है, मतलब जैसे कि रावण ने उनको नहीं छुआ है, तो उन्होंने कहा था कि उन्हें उसका प्रूफ चाहिए। तो इसके लिए सीता माता ने लक्ष्मण को कहा था कि तुम अग्नि जलाओ और मैं उस अग्नि में बैठती हूँ। तो सीता माता अग्नि देवी में बैठती है तो अग्नि देवी सीता माता को छू लेती है। तो अग्नि देवी ऐसा मानती है कि उनसे पाप हो गए क्योंकि वो सीता माता को नहीं छू सकती। इसके लिए अग्नि जाती है इस समुंदर में और इसमें अपना पाप धोती है। इसके लिए इसको अग्नि तीर्थम बोलते हैं क्योंकि जो अग्नि थी, जो फायर थी, वो फायर गई इस ओशन में और इसके लिए इसको अग्नि तीर्थम बोलते हैं। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं वॉकिंग वॉकिंग करके रामानाथ स्वामी टेम्पल के लिए। यहाँ पे लॉकर रूम एंड ड्रेसिंग रूम है, आप जब भी आते हो तो आप चेंज यहाँ पे कर सकते हो। फाइनली हम पहुंच चुके हैं रामानंद स्वामी टेम्पल। तो अभी हम जा रहे हैं 22 कुंड में नहाने के लिए और अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि मैं फ़ोन लेके जाऊँ। एक्चुअली मेरे जो होटल वाले उनको मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि लाइक यू कैन टेक एट योर रिस्क, तो आई विल ट्राई अगर लेके जाऊँ तो। मैं आपको इस ट्रिप के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि लाइक कैसे आना है, कहाँ से जाना है, कहाँ रुकना है, कितना टाइम लगेगा, इच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन आई विल गिव यू। तो यहाँ पे है वे टू तीर्थम भाटी, ये है नॉर्थ वे। नॉर्थ वे से हमें जाना रहेगा बात स्टार्ट करने के लिए तीर्थम के 22 कुंड के। तो हम लोग अंदर आ चुके हैं और 25 रुपये एंट्री फ़ी होती है और 5-5 रुपये एक लोग के ऊपर पानी डालने के लिए रहता है। इधर पीछे चार्जेस लिखे हैं, चार्जेस है 25 रुपीज़। अभी हम चलते हैं अंदर 22 कुंड में।
तो जैसे ही आप नॉर्थ गेट पे आएंगे आपको बहुत सारे पंडित दिखेंगे वाइट कपड़े में, आपको उनके साथ बात कर लेनी है और आपको जाना है 22 तीर्थम के स्नान के लिए। और ये जो ब्यूटीफुल कॉरिडोर है वो लॉन्गेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, और इस कॉरिडोर की हाइट 6.9 मीटर है। यहाँ पर टोटल 3 कॉरिडोर है, उसमें से जो लास्ट कॉरिडोर है जो कि थर्ड कॉरिडोर है वो 18th सेंचुरी में बनाया गया था। इस कॉरिडोर की छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल, और ये है बाल्टी जो रखी थी जिससे हमें स्नान कराते हैं। पहला तीर्थम है महालक्ष्मी तीर्थम, यहाँ पर युधिष्ठिर ने स्नान किया था और वो पैसे वाला और फेमस बना। तो पहला तीर्थम था महालक्ष्मी तीर्थम जिसमें हमने स्नान ले लिया है। अभी हम जा रहे हैं दूसरे तीर्थम में। दूसरा तीर्थम गंध मादना तीर्थम है, यहाँ स्नान करने से माना जाता है कि इंसान की गरीबाई दूर हो जाएगी। तीसरा तीर्थम है कवच तीर्थम, यहाँ स्नान करने से माना जाता है कि आप मरने के बाद खुद को नरक से बचा पाएंगे। चौथा तीर्थम है गवाय तीर्थम, यहाँ पे स्नान करने से माना जाता है कि कल्प वृक्ष ट्री जो कि बनियान ट्री है, तो आप जो भी विश उससे मांगते हो आपकी पूरी होती है। पांचवा है नील तीर्थम, यहाँ स्नान करने से माना जाता है कि आपने जितने भी यज्ञ किए या पाठ पूजा किए उसका आपको लाभ मिलता है। सिक्स्थ है नल तीर्थम, यहाँ स्नान करने से आपको भगवान सूर्य का आशीर्वाद मिलेगा। अभी सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ तीर्थम हो चुके हैं, बहुत जल्दी जल्दी में सब हो रहा है। ये सबसे बड़ा कुंड है, इसका नाम है सेतु माधव। सातवां है सेतु माधव तीर्थम, यहाँ पे स्नान करने से माना जाता है कि आपको महालक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है और जो भी आपके इम्प्योर थॉट्स है वो प्योर थॉट्स हो जाते हैं। और यहाँ पर है टोटल 12 ज्योतिर्लिंग जो कि पूरे इंडिया में है, और यह माना जाता है कि जहाँ पे शिव भगवान खुद प्रकट हुए थे वहाँ ज्योतिर्लिंग है। आठवां है ब्रह्माति विमोचन तीर्थम, यहाँ स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं जैसे कि ब्राह्मण को मारना या दारू पीना। नाइन्थ है सावित्री तीर्थम, यहाँ स्नान करने से आप अपने सारे श्राप से मुक्ति पाएंगे। दसवां है गायत्री तीर्थम और ग्यारहवां है सरस्वती तीर्थम। तो यहाँ पे 9, 10 और 11 कुंड तीनों साथ में है जिसका नाम है सावित्री तीर्थम, गायत्री तीर्थम और सरस्वती तीर्थम। 9, 10, 11 ये तीनों तीर्थम में स्नान करने से आप श्राप से मुक्त हो सकते हो। तो अभी हमारे 11 कुंड हो चुके हैं और जा रहे हैं अभी दूसरे 11 के लिए। 12th है चक्र तीर्थम, यहाँ स्नान करने से माना जाता है कि आपकी तबीयत अच्छी रहेगी। 13th है सक्र तीर्थम, यहाँ पर भगवान सूर्य को गोल्डन हैंड मिला था। 14th है सूर्य तीर्थम और 15th है चंद्र तीर्थम, ये दो तीर्थम में स्नान करने से माना जाता है कि हमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का नॉलेज मिलेगा। 16th है सत्यमीर्थ तीर्थम, यहाँ स्नान करने से जो भी पाप आपने अनजाने में किए हैं उससे आपे माफी मिलेगी। 17th है शिव तीर्थम, यहाँ स्नान करने से माना जाता है कि भगवान विष्णु और भगवान शिव के खिलाफ बोलने के पापों से छुटकारा मिल जाएगा। 18th है सर्व तीर्थम, यहाँ स्नान करने से हमें सारे तीर्थ जगह का पुण्य मिल जाएगा। ये भी हमारी साइस बहुत एंजॉय कर रही है, जैसे जैसे उसके ऊपर पानी डल रहा है एक एक बाल्टी सी इज एंजॉयिंग अ लॉट। 19th है गया तीर्थम, 20 है यमुना तीर्थम और 21 है गंगा तीर्थम, ये तीनों तीर्थम में स्नान करके गणा सुरथी राजा को बुद्धि प्राप्त हुई। 22 जो कि लास्ट है वो है कोड़ी तीर्थम। तो अभी आए हैं हम 22 तीर्थम पे और यहाँ पे पानी भी पीना रहता है तीर्थम का, ऐसा बोला है हमको। ये जो आखिरी तीर्थम है वो सबसे ज्यादा पवित्र तीर्थम है क्योंकि यहाँ से कृष्ण भगवान को मुक्ति मिली थी अपने पापों से जब उन्होंने कंस को मारा था। तो अभी हमारे 22 तीर्थम हो चुके हैं और अभी हम ले रहे हैं एग्जिट यहाँ से। अब हम करेंगे हमारे कपड़े चेंज और जाएंगे अंदर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने। वैसे यहाँ पे फोन अलाउड नहीं था पर हमारे साथ जो पंडित थे वो बहुत अच्छे थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उन्होंने हमको शूट करने दिया। बाकी 2-3 तीर्थम में ऐसे तो अलग पंडित दिखे जिन्होंने बोला फोन स्विच ऑफ कर दो, बट फिर भी मैंने लिया। तो ये जो 22 तीर्थम है उसकी कहानी ये है कि राम भगवान ने अपने बाण से ये 22 तीर्थम बनाए थे यहाँ की वानर सेना को पानी पीने के लिए। 22 कुंड में स्नान करने के बाद हम जा रहे हैं अंदर, और अंदर का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया छुप छुप के, इसके लिए इतना अच्छा नहीं आया है। तो हम अराउंड 12:30 आए थे और मंदिर होने वाला था क्लोज, इसके लिए लाइन कम थी और जल्दी जल्दी लाइन आगे बढ़ा रहे थे। फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं, जैसे ही अब बाहर निकलेंगे तो आपको लड्डू का काउंटर मिलेगा, बहुत ही टेस्टी थे तो जरूर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय एंड सो सॉरी फॉर माय इरिटेटिंग वॉइस।